Okay, now today the topic that we are going to do, is the name of the topic is electrode potentials. Okay, now एक चीज इसमें ना एक चीज हमें इसमें बिल्कुल ध्यान से करना पड़ता है. Okay, and that is what I want to teach you this year so that 11th does not become difficult. 12th does not become difficult. Sorry. Okay. अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स में क्या होता है बेटा, आज तक आपने जो भी चीज पढ़ा है, ठीक है, दैट वाज इलेक्ट्रोलाइसिस. ओके, अब इस साल जो पढ़ोगे इस चैप्टर में जो पढ़ोगे दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. ठीक है, द बेसिक डिफरेंस क्या होता है, बेसिक डिफरेंस अगर मैं देखूं तो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस में हमने पढ़ा है कि एनोड, ओके, एनोड इज व्हाट चार्ज, एनोड में कौन सा चार्ज हमने पढ़ा है आज तक, पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, कैथोड में नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव. ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यू विल स्टडी समथिंग टोटली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. एनोड इज नेगेटिव, कैथोड इज पॉजिटिव. ठीक है, नाउ इसको याद करने के लिए आई एम गिविंग यू ऑल ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या किसी के लिए भी LOAN, ठीक है, दिस इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज ऑक्सीडेशन विच टेक्स प्लेस एट द एनोड. ठीक है, तो इफ वी लर्न दिस थिंग वेल वी आर नेवर गोइंग टू मेक अ मिस्टेक कि कहां पे, ठीक है, हमारा क्या लगना है, वी विल नेवर मेक अ मिस्टेक ऑन दैट कि वेयर आर वी गोइंग टू हैव इट एज अ पॉजिटिव और हैव इट एज अ नेगेटिव. ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ही देखते हैं, लेट्स टेक द बेस्ट एग्जाम्पल दैट यू हैव डन इन क्लास 10. क्लास 10 में इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ लेट्स से purification of copper. In purification of copper, the impure copper was made up of what? Impure copper kis cheez ka bana tha? Yaad kare, metals, non-metals? The impure copper was? Okay. Anode. Yeah, exactly. मैं ना 2 मिनट के लिए अपने वीडियो पे आ रहा हूँ, ठीक है, 2 मिनट के लिए अपने वीडियो पे आ रहा हूँ और शायद आप लोगों को वीडियो दिखना शुरू हो जाएगा. ठीक है, मुझे आप लोगों से ना एक रिक्वेस्ट है. ठीक है, मैंने जो 12th को बोला वो 11th को भी बोल रहा हूँ. आई वॉन्ट यूल टू मेक योर मिस्टेक्स एज अ टीचर, एज अ फ्रेंड, एज अ गाइड, एज अ ग्रुप लीडर, एज वॉट एवर. ठीक है, आई विल नेवर स्कोल्ड यू फॉर मेकिंग मिस्टेक्स, गो अहेड एंड मेक योर मिस्टेक. ठीक है, अभी आपके पास चांस है मिस्टेक्स करके सीखने का, बाद में जॉब में या बिजनेस में मिस्टेक्स करके आगे बढ़ने का चांस शायद कम मिले. इफ यू मेक अ मिस्टेक इन अ जॉब, 99% the person will throw you out of the job. But right now, like I've always said, chemistry आपको कोई भी सिखा सकता है, किताब से पढ़ाना ही तो है, that is chemistry. जिसको भी वो topics आता है वो पढ़ा देगा. 99% अगर आप में से कोई भी chemistry से related subject college में नहीं लेंगे तो ये जो कुछ पढ़ रहे हो it is all a waste of time. But the way you learned it up is not a waste of time. How you did it, how you understood it,
ठीक है, हाउ यू वेंट अबाउट इट, बिकॉज दोज आर द सेम थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू अप्लाई इन योर रियल लाइफ. सो वॉट आई एम इनडायरेक्टली टीचिंग यू इज टू अप्लाई इट, टू बी नॉट अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स, बिकॉज मिस्टेक्स माई डियर फ्रेंड्स आर द बेस्ट टीचर्स. मिस्टेक्स टेल्स यू वन मोर मेथड ऑफ नॉट डूइंग इट द वे यू आर डूइंग इट. सो गो अहेड, मेक योर मिस्टेक्स राइट नाउ. राइट नाउ ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अगर मेरे क्लास में मिस्टेक करोगे क्या कोई आपके मार्क्स कट रहे हैं? जब आप पढ़ रहे हो उस समय मिस्टेक कर रहे हो तो क्या आपके मार्क्स कट रहे हैं? मार्क्स कटेंगे तो कब कटेंगे? When you make a mistake in the exam, और उसमें भी भाई एक या दो नंबर इधर उधर रह गया तो क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, do you go to any doctor and ask the doctor कि sir, where did you do your medical from? What was your percentage in medical? Do you ever ask that? No. You went to that doctor because you think that the doctor is good. He can take care of you well. His job defines him. Later on in life, your job is going to define you. Aaj ke date mein 99% nobody asks me ki aapne kya kiya hai, kahan se padhai kiya hai, aapke kitne percentage aaye. Nobody asks me. If they are coming to me, they come with the faith that if we come to him, he is going to deliver what he is known for. Theek hai? So the same thing I want you all. I am not built on my successes, guys. I am built on my failures. Theek hai? The only good thing about me is I do not have regrets about my failure. I fail, I make mistakes, I will not regret about it. I do not have the time to regret it. Better than that, what I'll do, I'll rectify the error. If I again make the error in that same thing, I'll again find another way of doing it and keep on moving ahead and ahead and ahead. I use that same thing in teaching. I use that same thing in my personal life. I use that same thing in my personal, professional, every kind of life. Theek hai? I have taken it for granted ki I can never be perfect. I have taken it for granted that I'll always be imperfect. I have taken it for granted that I will always make mistakes. Chahe log kuch bhi bole, I will. Aaj tak kaun sa insaan hai jo matlab apne death tak mistakes na karta ja raha? Karte hain, sab karte hain. The acceptance of it is required. So in the same way, you are human. Okay, 99% you are also not perfect. 99% you will also make mistakes. So the best way to be happy about it is, okay, I will make the mistake, but I will learn and move. I'm not going to make the same mistake again and again. Okay, so I want the class to be, you know, interactive. I want the class to be, you know, full of mistakes, because one mistake done is one new method of saying that this is not the way I am supposed to do it. So let's go ahead and let's keep on learning. Let's begin the adventure of life by slipping, falling down, getting up, moving forward. Okay, so let's go ahead. So where were we? We were here. Now, this is attached to the positive terminal of the battery and the negative terminal of the battery. Okay, I need to switch off my video, otherwise this pen will keep on running away. So Mr. Video, where are you? Gone. Okay, now we have the pure copper rod out here. Okay, and the pure copper is the cathode. The pure copper is the cathode. Now, who remembers class 10 mein ki hamare paas jo solution tha, kis color ka solution tha? Sir, blue color. Yeah, exactly. The blue color solution. Copper salt ka solution. Theek hai? Copper salt ka solution.
कॉपर आयंस में दो पॉजिटिव चार्ज है। अब अगर ये दो पॉजिटिव चार्ज है तो ये कहां जाएगा? वेयर इज इट गोइंग टू गो? टूवर्ड्स द नेगेटिवली चार्ज रॉड और टूवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज रॉड? ठीक है, वहां पे जाके वो दो इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बन जाएगा? दो इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जाएगा? Cu. And the Cu gets deposited out here. Cu यहां पे deposit हो गया, ठीक है? अब ये gain of electrons है. What is gain of electrons? इसी chapter में हमने पढ़ा था. Reduction. Okay. And the reduction is taking place where? At the cathode. ठीक है? Anode से copper starts dissolving into the solution. When copper dissolves in the solution, matlab it is becoming Cu2+. If Cu is becoming Cu2+, how many electrons is it losing? Two electrons. Loss of electrons is what? Oxidation. And yahan pe dekhna humne kya likha hai? Loss of electrons is oxidation and it takes place at the anode. Dekhna jara ye reaction kya anode mein hi hua hai? Did the reaction take place at anode? Theek hai. So this my dear friends is the electrolytic cell. Now let's look at an electrochemical cell. Okay, electrochemical cell, this is the first time ever in your life that you are doing it. So I want you all to concentrate very nicely on an electrochemical cell. In an electrochemical cell, we have two half cells. In an electrochemical cell, we have how many half cells? Two half cells. Theek hai? फिर उसमें हमारे पास कोई भी बैटरी नहीं लगा होता है. ऐसे एक लाइन ऐसे गया, ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड लगा है, कोई भी बैटरी नहीं होता है. आई रिपीट, नो बैटरी इज देयर. ओके, एंड देन अनदर इलेक्ट्रोड इज हियर एंड हियर वील हैव अ बल्ब और अ गैल्वेनोमीटर एंड यहां से यहां we have a tube connecting both of them together. A tube connecting both of them together out here. Now, class 10 ka metal activity series kis kis ko yaad hai? Anyone? Kind? Magals and Feeney. Right, good. Kind nations can manage all zonal feud by publishing his corruption in huge, okay, Argentine authority, okay, और सबसे नीचे क्या आ गया? Huge Argentine platinum. Exactly, with platinum. ठीक है, so ये PT आ गया. अब बेटा यहाँ पे ठीक है, I am taking the example of let's say zinc and copper. Which is more missed out? Nickel. हाँ, निकल आएगा बीच में, निकल आएगा, टिन भी आएगा. ठीक है, ना नाउ टेल मी विच इज मोर रिएक्टिव, जिंक और कॉपर? जिंक इज मोर रिएक्टिव. ओके, दिस इज मोर रिएक्टिव, दिस इज लेस रिएक्टिव. ना अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर, वॉट इज रिएक्टिविटी? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर के इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. एग्जैक्टली, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा वो ज्यादा मेटालिक है, यानी कि द एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन, द एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन इसका ज्यादा है, द एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन इसका कम है. ठीक है, इसीलिए आपने टेंथ में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखा था, जिंक हैज द एबिलिटी टू रिमूव कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट. तो यहां पे
ये जो इलेक्ट्रोड है माय डियर फ्रेंड्स, ये जिंक का इलेक्ट्रोड है, ये जो इलेक्ट्रोड है ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, इसको कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। इसको क्या कहते हैं? सॉल्ट ब्रिज। इसका दो काम है। काम नंबर वन, कंप्लीट्स द सर्किट, ठीक है, सर्किट को कंप्लीट करना इसका काम है, काम नंबर वन। काम नंबर टू इसका होता है सर्किट कंप्लीट करना एंड अलाउज द पैसेज ऑफ आयंस, अलाउज पैसेज ऑफ आयंस विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन ऑफ व्हाट, आयंस विदाउट रिएक्टिंग, ठीक है। सो व्हाट आर द टू फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज? सर्किट एंड विदाउट participating it allows the ions to pass. Exactly. Sir, ये जो हाँ जी बेटा होता है इसके अंदर कोई contents होते हैं? हाँ contents होते हैं। ना 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 ना, हवा कैसे conduct करेगा? हवा तो conduct कर ही नहीं सकता है। salt bridge में नाम ही लिखा है बेटा, salt bridge। तो इसमें we have different kinds of chemicals which is present, जो कि ions को जाने तो देगा, charges को जाने तो देगा, लेकिन react नहीं करेगा। और आयंस जाएगा, आपने पढ़ा था 10th में, ओम्स लॉ में पढ़ा था कि सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। सर्किट क्या होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए सो दैट द बल्ब विल लाइट अप। अगर सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो बल्ब इज नॉट गोइंग टू लाइट अप, ठीक है। अब हमने पढ़ा, कोई प्रैक्टिकल यूज है किसका? ये बल्ब को ऐसे कोई लाइट नहीं करता, पर तब भी पूरा है ना आपका, आपका जो फ्लैश लाइट है, फ्लैश लाइट में क्या यूज करते हो? बैटरी यूज करते हो, सेल यूज करते हो, वो यही है, वो यही है। अच्छा, ऐसे ही बनता है वो, ठीक है। सर सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज किससे बनता है बेटा? उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, उसमें जेली होता है, जेलेटिन होता है, अगर अगर होता है, ठीक है। न्यूट्रल सब्सटेंस से बनता है, किससे बनता है? एक न्यूट्रल सब्सटेंस से बनता है। अब आप लोगों ने मुझे क्या कहा था, जिंक हैज द एबिलिटी टू लूज मोर इलेक्ट्रॉन्स। जिंक कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है? टू इलेक्ट्रॉन्स, और क्या बन जाएगा? Zn2+, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स कहां पे आ जाएगा? Electrons will be deposited on the rod. Electrons will be deposited on the rod. ठीक है। अब loss of electrons हमने क्या पढ़ा था बेटा ऊपर? What is loss of electrons? Oxidation. And oxidation always takes place where? At anode. देखा, anode क्या हो गया? Anode हो गया negatively charged. ऊपर हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने क्या पढ़ा था कि एनोड क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक एग्जैक्टली, ये देखो, नहीं बेटा ऊपर ऊपर यहाँ पे देखना, एनोड क्या होता है? कैथोड क्या होता है? नेगेटिवली। लेकिन मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में जब कहा था, मैंने कहा था ना, देखना, इलेक्ट्रोलाइसिस में एनोड पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, लेकिन डेफिनेशन दोनों में सेम ही रहेगा, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। यहां पे भी आपने देखा, यहां पे भी क्या हो रहा है? यहां पे भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज व्हाट? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड, एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज। यहां पे भी देखना, यहां पे भी क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड, बट द एनोड इज व्हाट? नेगेटिव। सो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड इज पॉजिटिव, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड इज नेगेटिव। ठीक है, अब देखना इस साइड में क्या होगा। इस साइड में कॉपर जो है, कॉपर आयन,
कॉपर रॉड के पास जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन लेगा और वो कॉपर बन जाएगा। तो इसने क्या किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, रिडक्शन, और रिडक्शन कहां पे होता है, कैथोड पे, ठीक है। अब अगर यहां से इलेक्ट्रॉन चला गया, इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन्स आर सपोज टू मूव फ्रॉम एक्चुअल फ्लो ऑफ करंट क्या होता है, ये हो गया एक्चुअल फ्लो ऑफ करंट। अब क्या बल्ब जलेगा, अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं होता, सॉल्ट ब्रिज नहीं होता तो क्या बल्ब जलता, नो सर, नो, क्योंकि सर्किट ही कंप्लीट नहीं होता, नेगेटिव से पॉजिटिव तक जा रहा है लेकिन सर्किट तो कंप्लीट नहीं है। ये देखो सर्किट ये ऐसे कंप्लीट हो रहा है, सॉल्ट ब्रिज के थ्रू से सर्किट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो बल्ब लाइट्स अप, ओके। अब बेटा मैं आप लोगों को दोनों डायग्राम 5-5 सेकंड के लिए दिखा रहा हूं, एंड आई विल आस्क यू टेल मी दिस, सी दे आर सम ऑफ द डिफरेंसेस दैट यू कैन स्ट्रेट अवे सी, एनोड इज पॉजिटिव, कैथोड इज नेगेटिव, यहां पे एनोड इज नेगेटिव, कैथोड इज पॉजिटिव, ठीक है। यहां पे देर इज ओनली वन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, यहां पे देर आर टू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, यहां पे देर इज नो सॉल्ट ब्रिज, यहां पे देर इज अ सॉल्ट ब्रिज। माई क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यूल नाउ, what is another major difference between electrolytic cell and battery presence, battery presence, so very good. Now what does the battery do, what does the battery do in an electrolytic cell, it provides a conducting channel, no sir, main ek cheez ek aur mereko wo uska to nahi pata par ek aur difference bata sakta hu, batao batao सर, जो पहले वाला है वो मोटर की तरह काम कर रहा है, जो दूसरा वाला जनरेटर की काम कर रहा है। यही मुझे सुनना था, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी, देख रहे हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया है आपका बैटरी ने, बैटरी ने क्या दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और यहां पे क्या हुआ, इट गॉट कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी। इसमें देखो केमिकल्स के वजह से द बल्ब इज लाइटिंग अप, केमिकल्स के वजह से द बल्ब इज लाइटिंग अप, तो यहां पे माय डियर फ्रेंड्स द केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी इज गिविंग राइज टू व्हाट, is giving rise to what, electrical energy, ठीक है। और यही चीज किसी ने मुझसे पूछा था, इसका application मैंने क्या बताया था, flashlight में use होता है, torch में use होता है, तो उसमें क्या convert हुआ, chemical energy convert हुआ electrical energy से, इसीलिए तो bulb जला, ठीक है, okay। अब 10th का एक और question पूछ रहा हूँ आप सबसे, आदित्य इज दे, अनुकृति, अपूर्व, दिव्या, हर्षित, जिया, करण, नवीन, निदार्शना, रौनक, शौर्य, शिवम, श्रेया, श्रेया, स्नेहा, तमन्ना, तन्वी, वत्सला एंड जोया। एक और 10th का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, क्या क्वेश्चन था, अरे ओह नाम लेने के टाइम पे वही भूल गया, क्वेश्चन क्या पूछना, हाँ आ गया यार, वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सेल एंड अ बैटरी, सेल सिंगल होता है, बैटरी ज्यादा होती है, ओके, बैटरी कॉम्बिनेशन होता है, दैट कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, अगर ये एक सेल है तो बैटरी में क्या हो जाता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, दिस इज नोन एज अ बैटरी। सो नाउ इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बिल्कुल क्लियर, कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या हो रहा है, ओके। अब ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट,
ये पूरा एक चैप्टर है क्लास 12 केमिस्ट्री में. दैट इज व्हाई आई लाइक डूइंग इट इन प्रॉपरली, धीरे धीरे समझ के कि हमारा क्लास 12 का टाइम बचे. ठीक है, सो क्लास 12 में मार्क्स ज्यादा जरूरी हो जाता है. ओके, अब बेटा अब मुझे यहाँ पे हमारा जिंक वाला सेल था. हमारा कौन सा सेल था? इस साइड पे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड हमारा जिंक वाला सेल था. ओके, सो यहाँ पे हमारा आ गया. फिर हमने यहाँ पे अपना जिंक का इलेक्ट्रोड डाल दिया और हमने देखा कि ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और ये Zn2+ है. ठीक है, अब मुझे ये बताओ क्या इस पॉजिटिव और इन नेगेटिव्स के बीच में will there be a potential setup between the negative and the positive? सर थोड़ा इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो मतलब? ओके, व्हाट इज पोटेंशियल? 10th में आपने पढ़ा था व्हाट इज पोटेंशियल. व्हाट इज वोल्टेज? व्हाट इज पोटेंशियल? मूवमेंट ऑफ चार्जेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट वॉज नोन एज पोटेंशियल. ठीक है, अब यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, क्या मूवमेंट ऑफ चार्जेस होगा यहाँ पे? एग्जैक्टली, नेगेटिव और पॉजिटिव है, सो दे विल बी, यानी कि अ पोटेंशियल विल बी सेटअप हियर. यहाँ पे एक पोटेंशियल सेटअप होगा. ठीक है, और अगर मैं दूसरा वाला लू, हमने दूसरा वाला भी किया था, हमने किया था कि हमारा कैथोड कॉपर वाला सेल है. ठीक है, ये हमारा कैथोड का है, इसके अंदर हमने कॉपर का इलेक्ट्रोड रखा था. हमने देखा था कि कॉपर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और यहाँ पे Cu2+ है. क्या यहाँ पे पोटेंशियल सेटअप होगा? नहीं होगा. पॉजिटिव होगा क्योंकि रिपल्शन होगा. यहाँ पे अगर अट्रैक्शन के वजह से चार्जेस में मूवमेंट आया तो यहाँ पे रिपल्शन के वजह से चार्जेस में मूवमेंट आएगा. ठीक है, ये एनोड में एक सेल पोटेंशियल सेटअप हुआ, ये कैथोड में एक सेल पोटेंशियल सेटअप हुआ, दोनों में एक सेल पोटेंशियल सेटअप होगा. दीज आर नोन एज हाफ सेल्स. दिस इज द एनोड हाफ सेल. ठीक है, दिस इज द नीचे वाला विल बी द कैथोड हाफ सेल. दोनों में पोटेंशियल सेटअप होगा. यहां तक क्लियर? अब ऐसे ही मैग्नेट के जो दो पोल्स होते हैं उनको एक पोल्स में कर सकते हैं? साउथ और नॉर्थ को नॉर्थ और नॉर्थ कर दे, एक ही मैग्नेट में नॉर्थ एंड नॉर्थ. नहीं सर, एक ही मैग्नेट में सिर्फ नॉर्थ नहीं हो पाएगा. ना हो पाएगा भाई, जहां नॉर्थ है वहां पे साउथ है. ठीक है, अब बेटा अगर मैं यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दू, यहाँ पे क्या लगा दू? वोल्ट मीटर लगा दू, तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा 1.717 वोल्ट. कितना आ जाएगा? ठीक है, लेकिन एक चीज मुझे बता दो यारा, एक चीज बताओ, यहाँ पे मैं वोल्ट मीटर कहाँ लगाऊंगा? इन दोनों के बीच में वोल्ट मीटर कैसे लगाऊंगा कि मुझे मेजर करना है हाफ सेल का पोटेंशियल, मुझे मेजर करना है यहाँ के हाफ सेल का पोटेंशियल, तो यहाँ पे वोल्ट मीटर कैसे लगाऊंगा लिक्विड में? पैरेलल कैसे लगाओगे लिक्विड में? ये लिक्विड है सर, इधर से ऊपर से मतलब समझ सर, उधर से तार मतलब एनोड से तार निकाल दो और फिर लगा दो. किसके साथ लगा दो? सर वही पूरा पूरे मेन जो सिस्टम है. हाँ, के इधर लेकिन लिक्विड में डाल दोगे तो शॉर्ट सर्किट नहीं हो जाएगा? नहीं सर, हवा में यही परी बाहर बाहर लिक्विड के बाहर 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 कैसे करोगे? मतलब ये जो लाल सर बाउंड्री है ना, एक चीज बताओ, यहाँ से मैंने, अच्छा आपने ऐसे का वोल्ट मीटर लगा दिया ऐसे, इज द सर्किट कंप्लीट?
अच्छा करण, चलो सिंस करण इज आस्किंग, इज बीइंग इंक्विजिटिव, लेट मी बी अ लिटिल इंक्विजिटिव. करण, व्हाट इज योर मास? मास क्या होता है हमारा? हमारा तुम्हारा मास कितना है? नहीं, क्वांटिटी कितना है तुम्हारे मास का? व्हाट इज योर मास? आपको नहीं करा था सर पिछली बार. अच्छा, मास तो न्यूटन में होता है ना सर? नहीं, मास केजीज में होता है, वेट न्यूटन्स में होता है सर. 51 52 ऐसे से होगा. ठीक है, पिछली बार का तब था तो 51 केजी लगता है. अब मुझे ये बताओ, तुम्हें कैसे पता तुम 51 केजीज के हो? व्हाई आर यू 51 केजीज? मशीन से पता चलता है. वेइंग मशीन कैसे चलता है सर? वो कुछ प्रेशर देखता है ना, अर्थ के अगेंस्ट जो आप करते हो पुट. एक चीज बताओ, आपने नाइन्थ में पढ़ा था, मास को किस चीज से मेजर करते हो, वेट को किस चीज से मेजर करते हो? सर मास तो चेंज नहीं होता, केजी में होता है, मुझे पता है. मेजर किस चीज से करते हो? हाउ मेनी पीपल रिमेम्बर क्लास 9? यू मेजर्ड मास विथ व्हाट एंड वेट विथ व्हाट? मास को उससे नहीं करते, फोर्स और एक और चीज से करते हैं. बैलेंस के लिए बैलेंस, बैलेंस बिल्कुल सही. बैलेंस कौन सा? बैलेंस कौन सा? बैलेंस मास को, बैलेंस मास को बैलेंस से करते हैं. कौन से बैलेंस से? वेट बैलेंस, बैलेंस डीम बैलेंस. अरे हाँ, कानून अंधा है. एग्जैक्टली, कानून अंधा है. बीम बैलेंस, ठीक है, बीम बैलेंस. हाँ ठीक है, तो बीम बैलेंस से आप मेजर करते हो, बीम बैलेंस से आप मेजर करते हो मास. और स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हो आप वेट. ठीक है, दिस इज व्हाट. मास हमेशा रिलेटिव ही रहेगा तुम्हारा. मास किस, अब अगेन अब मजा आ रहा है ना क्लास में. अब बताओ बेटा, मास को रिलेटिव क्यों कहा आपने? सर क्योंकि उधर दो दो आ गई, मास तो फिर एब्सोल्यूट रहेगा ही नहीं अगर दो दो तुम चीजों से कर रहे हो. ए, मास इज अ कांस्टेंट. अरे सर मतलब वैसे तो हाँ वो तो होता ही है. मास इज कांस्टेंट किस चीज से कर रहे हो? हाँ, क्या रखना पड़ेगा? कंपेयर. एग्जैक्टली, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम हैं. एग्जैक्टली, आप कंपेयर करते हो, किस चीज से कंपेयर करते हो? अब आ रहे हैं ना सही लाइन पे, किस चीज से कंपेयर करते हो? वो सर जो किलोग्राम या ग्राम. एग्जैक्टली, ऐसा यूनिट केजी. किसी बंदे ने कहा कि ये लोहे का इतना टुकड़ा 1 किलो का है. तो अब अगर करण कुमार 51 केजीज हैं, तो इसका मतलब ये है कि 51 वैसे लोहे के टुकड़े यहाँ पे रखे जाएं, 51 ऐसे लोहे के टुकड़े यहाँ पे रखे जाएं और करण को यहाँ पे बिठाया जाए, तो अगर ये स्ट्रेट लाइन में आएगा तो इसका मतलब करण का मास 51 केजी है. वी कंपेयर इट विथ अ स्टैंडर्ड. वी कंपेयर इट विथ अ स्टैंडर्ड. स्टैंडर्ड, यस सर. ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी अब देखा, व्हेन द क्लास इज इन दिस टाइप ऑफ अ मोड कितना मजा आता है और समझ में भी आता है. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो ये केजी केजी के जो ब्लॉक से होते हैं, उनको भी तो किसी से कंपेयर करवाएगा. वही 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 बेटा, जो पेरिस में रखा है ना, पेरिस में एक लोहे का टुकड़ा, उससे कंपेयर करते हैं. ओके, ठीक है. सो इसमें भी स्टैंडर्ड चाहिए और उसमें स्टैंडर्ड, इसमें स्टैंडर्ड है SHE. ठीक है, शी, बट ये वो वाला शी नहीं है जो आप समझ रहे हो, ये है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. ठीक है, शी इज व्हाट? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको माना गया है 0 वोल्ट. जिसको क्या माना गया है? 0 वोल्ट. जैसे जैसे वो
आयरन के एक टुकड़े को माना गया था 1 kg, तो वैसे ही SHE को माना गया है कि ये 0 volt है। अब इससे कंपेयर करेंगे। अब बेटा लेट्स गो बैक टू हाउ वी हैड स्टार्टेड इट। हमारे देखते हैं हाइड्रोजन भी भाई साहब आ गए। अब यहां पे आ गए हाइड्रोजन, ठीक है। अब सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे जिंक और हाइड्रोजन को। सबसे पहले किसे कंपेयर करेंगे? हेलो, सबसे पहले कंपेयर करेंगे जिंक एंड हाइड्रोजन। हु इज मोर रिएक्टिव, जिंक और हाइड्रोजन? जिंक। तो एक नया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाएंगे, एक नया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाएंगे जहां पे जिंक हमारा ज्यादा रिएक्टिव है। तो जिंक को हम बना देंगे एनोड सेल। जिंक को क्या बना देंगे? एनोड। जहां पे ये जिंक का रॉड आ गया, यहाँ पे जिंक का सोल्यूशन है, ओके, एंड दिस बिकम्स आवर एनोड। और हम ले लेंगे SHE। किसे ले लेंगे? SHE। किस चीज को लेंगे भैया? SHE। और SHE को बना देंगे कैथोड। SHE को क्या बना देंगे? कैथोड, ठीक है। यहाँ पे जो होता है ये होता है आपका प्लैटिनम रॉड इसमें होता है, और यहाँ पे एसिड होता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। अब यहाँ पे वो होता है ना सबसे अनरिएक्टिव। यस, प्लैटिनम इज वन ऑफ द मोस्ट अनरिएक्टिव मेटल्स। और यहाँ पे आ गया सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। अब SHE का 0 volt होता है, यहां से पूरे सेल का आएगा, पूरे सेल का वैल्यू आएगा, ठीक है। और ई सेल निकालने का फॉर्मूला है ई कैथोड, ठीक है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई कैथोड माइनस आएगा ना, वही तो चीज है, आएगा ई एनोड, ठीक है। हाँ जी बेटा, ई किसको डोनेट कर रहा है? ई इज द पोटेंशियल बेटा। ई किसको डिनोट कर रहा है? ई मतलब पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल ऑफ द सेल, पोटेंशियल ऑफ द कैथोड, पोटेंशियल ऑफ द एनोड। अब जब इसमें पोटेंशियल मेजर किया गया तो आंसर आया 0.76 volt। कैथोड है 0, तो एनोड आ गया नेगेटिव चार्ज, यानी कि मेरा जिंक का पोटेंशियल जो आया वो है नेगेटिव। अगर जिसके पास भी बुक ओपन है इसमें, तो बुक में अगर आप पीछे चेक करोगे लास्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर में आपको ये सारे वैल्यूज दिए हैं। जिंक का चेक करना, -0.76 दिया है, ओके, और मुझे वेरीफाई करवाना है एक बार बेटा। अब अगर माइनस में वैल्यू आया, इफ द वैल्यू कम्स इन नेगेटिव, इसका मतलब इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। इट इज अ विच एजेंट? अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये 0.76, ठीक है ना, ओके, तो रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है पता है? ये क्यों इंपॉर्टेंट है? नेगेटिव में वैल्यू आया ना, अगर नेगेटिव में वैल्यू आया तो इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है पता है? नेक्स्ट ईयर एक चैप्टर है डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट में हमें समझना होता है कि कौन रिड्यूस करेगा, कौन ऑक्सीडाइज करेगा, वो इससे पता चलता है। और अगर 11th में ये टॉपिक नहीं किया तो फिर 12th में वी आर स्टम्प्ड कि भाई ये नेगेटिव क्यों ऐसे, ये पॉजिटिव में क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, जितना ज्यादा नेगेटिव वैल्यू उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। जितना ज्यादा नेगेटिव वैल्यू उतना स्ट्रॉन्ग क्या हो जाएगा? वो रिड्यूसिंग एजेंट, ओके। अब बेटा अब चलते हैं हाइड्रोजन एंड कॉपर में। हु इज मोर रिएक्टिव इन हाइड्रोजन एंड कॉपर?
हाइड्रोजन सो हाइड्रोजन बन जाएगा मेरा SHE बन जाएगा द SHE विल बिकम द एनोड बिकॉज इट इज मोर रिएक्टिव एंड माय कॉपर का हाफ सेल विल बिकम द कैथोड कॉपर का हाफ सेल विल बिकम द कैथोड तो ये मेरा SHE का है ओके दिस इज माय SHE ओके और ये मेरा कॉपर का हो गया ये हमारा एनोड है ये हमारा एनोड है और इधर वाला हमारा क्या है इधर वाला हमारा कैथोड है ठीक है इनको हमने जोड़ दिया वायर से यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दिया और फिर यहाँ पे एक सॉल्ट ब्रिज डाल दिया ठीक है तो हमारा पैरेलल में लगी क्या क्या चीज बेटा वायर जो है वो पैरेलल में लगी क्या वोल्ट मीटर ये ऑलरेडी क्या चल रहा है यहाँ से यहाँ पोटेंशियल इसका मेजर करना है तो व्हाट इज हैपनिंग द बेसिकली वोल्ट मीटर पैरेलल में क्यों लगाते थे टेंथ में बताना पैरेलल में लगाते थे फिर एक सिंगल का पता चलता था सो दैट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू इट उसका रेजिस्टेंस क्या होता था बहुत कम सो व्हेन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स वुड पास थ्रू इट ठीक है अब यहाँ पे हमें पैरेलल सीरीज तो देखना ही नहीं है क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स इसी से पास हो रहे हैं ठीक है अब जब इसका यहाँ पे मेजर किया गया तो ई सेल आया 0.34 वोल्ट्स ठीक है अब अगेन ई सेल का व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर ई सेल ई कैथोड माइनस ई कैथोड माइनस ई एनोड ठीक है ई एनोड ओके अब SHE कहाँ पे है SHE सर एनोड पे एनोड पे तो एनोड जीरो हो गया ठीक है SHE का हमने क्या माना था स्टैंडर्ड तो कैथोड अब देखना बेटा आई थिंक सो अपूर्व का किताब खुला हुआ है अपूर्व चेक करो कॉपर का 0.34 दिया है नो सर 0.52 Cu2 plus Cu फिर से चेक करो Cu2 plus Cu 0.3 ठीक है ना 0.34 अब हाँ जी क्वेश्चन है हाँ जी बेटा मतलब जो हाइड्रोजन से नीचे होंगे वो प्लस होंगे और हाइड्रोजन से ऊपर एग्जैक्टली और प्लस आने का मतलब क्या है प्लस आने का मतलब है इट इज एन ऑक्सीडाइजेशन ठीक है इसीलिए अब जिसके पास बुक खुला होगा बुक में देखना एक पूरा टेबल दिया है ऊपर से नीचे तक एक एंड पे फ्लोरीन है दूसरे एंड पे लिथियम है फ्लोरीन सबसे ज्यादा पॉजिटिव है लिथियम सबसे ज्यादा नेगेटिव है सो द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज फ्लोरीन एंड द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज लिथियम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा इनमें से इलेक्ट्रोनेगेटिव किस में बेटा फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बिकॉज़ इट्स पॉजिटिव लाइक सबसे ज्यादा पॉजिटिव इसलिए नहीं बेटा हाँ वो तो हमने प्रूव किया लेकिन साइज के अकॉर्डिंग भी चले तो अकॉर्डिंग टू द स्मॉलेस्ट साइज इन द टेबल इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सबसे छोटा साइज मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये एक्सपेरिमेंट से भी प्रूव हो गया कि सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू आ रहा है सबसे ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है तो वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा ठीक है ना अगर हमारा ये आंसर राइट है मैंने ऊपर ना छोटा सा एक मिस्टेक किया 1.17 लिखा था ना 1.17 नहीं होगा उसका होगा कहाँ है 1.1 इसका होगा वैल्यू 1.1 ठीक है अब मुझे यहाँ पे बताओ जिंक क्या है एनोड है कॉपर क्या है कैथोड है अब बेटा मैं यहीं पे कर रहा हूँ ई सेल का फॉर्मूला क्या था ई कैथोड माइनस ई एनोड ठीक है अब मुझे बताओ कैथोड में क्या है कैथोड में कॉपर है
कॉपर का वैल्यू अभी अभी हमने क्या निकाला था, ठीक है, एनोड जिंक है, जिंक का क्या वैल्यू निकाला था चेक करना, यही यही है -0.76, ठीक है देखना -0.76। ओके जरा दोनों को ऐड करो और जो वोल्ट मीटर 1.1 और वोल्ट मीटर ने क्या आंसर दिया था 1.1, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी फाइंड द सेल। ओके अब फिर से ध्यान से देखना, एक और चीज मैं लिख रहा हूं, ठीक है, वन मोर थिंग आई एम राइटिंग डाउन सो दैट इट बिकम्स वेरी 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 क्लियर फॉर यू ऑल। इफ द ई नॉट वैल्यू इज नेगेटिव देन इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, देन इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। इफ द वैल्यू ऑफ ई नॉट द नेगेटिव वैल्यू इंक्रीजेस इट बिकम्स अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट वाला पार्ट, ई नॉट वैल्यू अगर हमारा ई नॉट मतलब स्टैंडर्ड कंडीशंस पे, ठीक है बेटा, ई नॉट नॉट लगाने का मतलब है स्टैंडर्ड कंडीशंस पे। इफ इट इज अ पॉजिटिव वैल्यू देन इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगा उतना ज्यादा वो क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्गर, ठीक है। अब ये ई नॉट का देखना वैल्यू कहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हमने इससे पहले बुक वन में मैंने आपको लोगों को एक फॉर्मूला लिखवाया था एंड में, अपूर्व ने याद दिला दिया था हमें कि हमने वो फॉर्मूला मिस किया था, एन एफ ई नॉट, ठीक है। अब अगर अगर हमारा यहाँ पे ई नॉट का वैल्यू डाला और डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है तो यानी कि रिएक्शन होगा। ई नॉट का वैल्यू डालने के बाद अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो रिएक्शन नहीं होगा, और ई नॉट अगर डेल्टा जी नॉट का वैल्यू जीरो आ रहा है तो रिएक्शन इज एट, ठीक है। और इसी से एक और फॉर्मूला बना था, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू -2.303 आर टी लॉग के सी। अब ये दोनों फॉर्मूला क्लास 12 में भी यूज करोगे, ठीक है। तो अगेन सी द रिलेशनशिप कैन बी ड्रॉन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। सो अब जाके ये चैप्टर हुआ खत्म, बट आई वॉन्ट यू ऑल टू रीड द चैप्टर नेक्स्ट क्लास में। स्टार्टिंग में वट एवर डाउट्स यू ऑल हैव ऑफ दिस चैप्टर, फर्स्ट विल डू दैट डाउट, ओके, एंड देन वी विल स्टार्ट ऑफ विद द न्यू चैप्टर दैट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज द न्यू चैप्टर, यस सर। ओके यस सर।